देखिए, मैं किसान मजदूर संघर्ष में सुबह जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमारा कार्यक्रम आउटिंग रिंग रोड पर था और उसमें से 10 लाख ट्रैक्टर, लाखों लोग वहाँ गए और रिंग रोड पर जाकर और आगे जाके 20 किलोमीटर हमने सभी लोगों को पीसफुली वहाँ से वापस लेके आए। जो दिल्ली के लोगों ने जो हमारी अपील करके सब अपने कार्यक्रम 99.9 लगभग इतने बड़े लोग सारे आए, उनमें से जो कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना को झंडा वहाँ फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब जो दीप सिद्धू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ रही है, इसके बाद पहले भी पंजाब का मीडिया और हम बोलते रहे भी आदमी पर हमारे शक है। अब दीप सिद्धू जी किधर से गए लाल किले के पास और कहां से वापस आए और वहां भी देखे गए। जो साधारण लोग होते हैं, हजार हो वो साधारण होते हैं, किसान हो मजदूर हो कोई भी नौजवान भड़क सकता, और जिसने ये छुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया वो दोषी है। तो हम आज भी पूरे देश के सामने भी जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। ये जो लोग उनको चिन्हित किया जाएगा, अभी किन लोगों ने ये जो है किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कुछ किया। और इसके बाद जब हमें पता चला, पुलिस ने बोला कि कुछ लोग लाल किले पे चढ़े हैं, पुलिस आए तो हमने अपील की, पहले बोले आपको साथ लेके चलते हैं, तो मैंने बोला साथ चलेंगे, लोग आएंगे नहीं, कैसे चलें, हमारा तो कार्यक्रम नहीं है। बोला आप कुछ करिए। तो मैं क्या करें, बोले एक बार बैठने के लिए बोलिए। तो हमने वीडियो वाल के भी लाल किले पर बैठ जाइए, नीचे बैठिए, तो नीचे उतर आए, हम उससे पहले वीडियो वाल कर चेक करते। तो फिर उन्होंने कहा भी अब सबको पहले बोलते हैं भी हमने जाना और वापस आना है। तो फिर हमने कुंडली बॉर्डर पर सबको वापस आने की अपील करी, तो वो पुलिस ने फिर प्रशासन के लोग आए, फिर मुझे कहा गया अभी सभी बॉर्डरों से लोग आए हैं, टिकरी से भी आए हैं, गाजीपुर से भी आए हैं, पलवल से भी आए हैं, आप एक बार सभी को बोलिए फिर जहाँ जहाँ से लोग आए हैं वहाँ वहाँ पर वो वापस चले गए। फिर मैंने उसकी वीडियो वाल की, तो वो लगभग हमारे हजारों लोग, तो खास करके दिल्ली वासियों का धन्यवाद, हमने उन्हें कड़ा भी भाई अब हमारे लोगों को बाहर निकालिए, रास्ते का नहीं, जिधर जाते उनको इधर से इधर निकल चलिए, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। तो देखिए, और उस तरह से हमारी अपील पर अब कोई भी दिल्ली के अंदर नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो जब हमें पता भी लोग हमारे बस से आगे निकल चुके हैं, आगे जाके जब हमारे प्रधान ने मुड़ा तो दसियों हजार ट्रैक्टर हमारे पास से आगे, जब हम 5-7 किलोमीटर आगे आ गए तो बीच से कौन से लोग उधर लेके गए आदमियों को, ये चिन्हित करने वाला मसला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इतना बड़ा आंदोलन जहाँ लाखों लाखों लोग हो, कुंभ जैसे मेले में भी जहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम होता, भगदड़ मच जाती है ऐसा कार्यक्रम, तो इतने बड़े आंदोलन में इस सभी को जो एक साजिशकर्ता ने साजिश की, जो कुछ किया, बदनाम करना उचित नहीं है। देश के किसान हैं, मजदूर हैं, देश के लिए पंजाबियों ने पहले कुर्बानी किया, देश की सी अस्मिता पे कुछ भी इस तरह के सवाल उठते हैं उसके हम खेद पैदा करते, ऐसा नहीं होना था, ना हमारा इस तरह का कार्यक्रम था। सर, लाल किले में झंडा फहराया गया, उसके बाद फिर पुलिस को भी मारा गया है किसानों के। हाँ, मैं पूछिए, बोला लाल किले में झंडा फहराने का किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का कोई कार्यक्रम नहीं था। जो लोग लाल किले पर झंडा फहराएं या पुलिस के साथ हिंसा किए, ये गलत बात, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, ऐसा हमारा कार्यक्रम नहीं था।